लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। पिछले महीने 22 मार्च को रोहन गुप्ता ने पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। भाजपा में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा, मैं नवरात्रि में भाजपा में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं बिना किसी उम्मीद के देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं पिछले 15 साल तक कांग्रेस में था, जबकि मेरे पिता 40 साल तक कांग्रेस में रहे। बिना किसी उम्मीद के हमारे परिवार ने कांग्रेस के लिए कार्य किया, लेकिन हमारा अपमान किया जा रहा है और स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। बता दें कि 12 मार्च को घोषित कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में रोहन गुप्ता का भी नाम शामिल था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अब वह भाजपा में शामिल हो चुके हैं। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा क्या? जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप दो चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास हैं। मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के, जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा?